कोटद्वार के प्राइड मॉल में आगामी 30 दिसंबर से गढ़वाली फिल्म मेरी गौ सिनेमा हॉल में लगने जा रही है, जिसको लेकर फिल्म के कलाकारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गढ़वाली पुलिस में बनी ये फिल्म पहाड़ों से हो रहे पलायन को लेकर बनाई गई है, जिसमें पलायन की समस्या को लेकर सुझाव भी दिए गए हैं। पलायन हमारी एक मजबूरी है, ये बात बिल्कुल सच है। मेंदोला भाई, अभिषेक मेंदोला, बहुत कम शब्दों में बहुत बड़ी बातें उन्होंने बता दी है। तो हमारा राज्य विकास करता है, हमारा देश विकास करता है। तो ये बहुत सारी बातें हमने इस फिल्म के जरिए कहने की कोशिश की है, और हमने ये भी बताने की कोशिश की है कि ये संभावनाएं हैं। जी क्या है? मेरू गांव कोई एक ऐसी थीम नहीं, इसमें बहुत सारे विषय हमने उकेरे हैं, जो हमारे पहाड़ की जो ज्वलंत समस्याएं हैं उनको लेकर इस फिल्म का निर्माण हुआ है। इसमें सबसे बड़ा जो है पलायन तो एक दर्द है ही, लेकिन परिसीमन मुख्य मुद्दा है, क्योंकि हमने जो उत्तराखंड की लड़ाई लड़ी थी, जिन लोगों ने अपनी जान दी थी और बहुत संघर्ष किया था उत्तराखंड पाने के लिए, उत्तराखंड तो पा लिया, लेकिन क्या है कि परिसीमन, देखिए हर बार हर परिसीमन में हमारे पहाड़ क्षेत्र की जो पहाड़ की जो सीटें हैं वो कम होती गई, कम होती गई, कम होती गई। तो इसमें एक विषय ये भी कि भाई अगर परिसीमन में हर बार हमारे पहाड़, हमने तो पहाड़ के लिए आंदोलन लड़ा था, और अगर आप ऐसी सीटें कम करेंगे तो कैसे पहाड़ का विकास हो पाएगा। तो परिसीमन भी इसमें है, पलायन है, पलायन के बाद पलायन का जो दर्द है उसके बाद उसका जो निवारण की कि कैसे क्या संभावनाएँ हैं वो भी हमने इस फिल्म में उकेरा है। और भी कई समस्या हैं, हमने कोशिश की है कि हम अच्छे शहरों का क्यों नहीं विकास करते। 50-60 शहर अगर हम विकास करेंगे, श्रीनगर जैसे, जहाँ पर मेडिकल सुविधा हो, जहाँ पर हॉस्पिटल हो, जहाँ पर पुलिस स्टेशन हो, जहाँ पर स्कूल हो, ऐसे शहर, तो पलायन काफ़ी हद तक कम हो जाएगा। इस फिल्म के जरिए हमने बताने की कोशिश की है। देहरादून में लगातार 4 हफ्ते से फिल्म चल रही है, और मैं आपको बता दूं पिछले 20 वर्षों में ये पहली फिल्म है जो 4 हफ्ते से लगातार किसी सिनेमा हॉल में चल रही है। सिल्वर सिटी मॉल में ये फिल्म का प्रदर्शन हो रहा है, और हमें वहाँ के दर्शकों का भरपूर प्यार मिल रहा है। और उसके बाद अब 30 तारीख को ये जो है ऋषिकेश और कोटद्वार में दिखाई जाएगी, और उसके बाद 6 तारीख को दिल्ली इंदिरापुरम में भी इसके प्रदर्शन किए जाएंगे।